हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ा जाए जो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पार्ट वन, ये आज पार्ट वन पढ़ा रहे हैं, फिर पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे करके वीडियो बनेगा। आप ध्यान से देखिए, समझते रहिए। हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। इफ साइन ए इक्वल टू एक्स, साइन ए इक्वल टू एक्स, देन साइन वर्स एक्स इक्वल टू ए। अगर साइन ए का वैल्यू एक्स है तो साइन वर्स एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। सिमिलरली साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू, मान लीजिए एक्स है तो साइन एक्स का मान थीटा हो जाएगा। इस तरह से इनवर्स नहीं रहने से इनवर्स लाया जाता है और इनवर्स होने से इनवर्स हटाया जाता है। केवल एंगल को एक्सचेंज करने से इनवर्स आ जाता है, इनवर्स हट भी जाता है। तो इस प्रकार से इनवर्स लाया जाता है, इनवर्स हटाया जाता है। इसका पहला फॉर्मूला है साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो कैसे प्रूव होगा देखिए, लेट साइन इनवर्स एक्स को ए मान लेते हैं, इसे ए मान ली, देयरफॉर साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, एंगल को एक्सचेंज किया इनवर्स हट गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू क्या था, ए किसको माने हैं साइन इनवर्स एक्स को, क्या बन गया साइन वर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स। इस कहने का मतलब यही है कि दोनों अगर सेम रहे, यहां साइन और इनवर्स रहे, यहां चाहे यहां, तो वो एक्स होगा। कॉस कॉस इनवर्स एक्स रहे एक्स, टेन टेन इनवर्स रहे एक्स, कॉट कॉट इनवर्स रहे एक्स, जो भी रहेगा दोनों सेम रहा, किसी एक में इनवर्स रहा तो एंगल को लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी सभी को सिद्ध कर लीजिएगा। दो नंबर में है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो किसी एक को सिद्ध कर रहे हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया, इसलिए साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। एंगल को एक्सचेंज किए तो इनवर्स खत्म। अब साइन ए का फॉर्मूला क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है, 11 में पढ़ा हुआ है। साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय टू माइनस ए, कॉस पाई बाय टू माइनस ए होता क्या है साइन ए, कॉस पाई बाय टू मतलब कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो आराम से हम इनवर्स ले आइए, इसको यहां छोड़ देते हैं, पाई बाय टू माइनस ए कॉस उधर ले आ रहे हैं, क्या हो गया कॉस इनवर्स एक्स हो गया। तो ये पाई बाय टू रह गया, माइनस ए उधर जाए क्या होगा प्लस ए हो गया कॉस इनवर्स एक्स। ए का वैल्यू लिख दीजिए, ए का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, ए का मतलब क्या लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये किसका वैल्यू निकल रहा है पाई बाय टू का, आपका सिद्ध हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। इस प्रकार से आप इसे भी सिद्ध कर सकते हैं, बाकी कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय टू सिद्ध कर लीजिए। सेम प्रोसेस से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू सेम प्रोसेस से भी सिद्ध कर लीजिए। तीसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन वर्स वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। दो नंबर में कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूला को
मैं सिद्ध कर रहा हूं चारों फॉर्मूला कैसे हुआ, प्लस माइनस साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, तो साइन वर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस सिद्ध करना है, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस सिद्ध करना है, ये दो फॉर्मूला बन गया, प्लस माइनस एक प्लस के लिए फॉर्मूला एक माइनस के लिए। उसी प्रकार कॉस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, कॉस में क्या होता है यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा। तो किसी एक को हम सिद्ध करते हैं, बाकी आप खुद सिद्ध कीजिएगा। चलिए cos inverse x plus cos inverse y इसे सिद्ध करता हूं, प्लस प्लस करते हैं, लेट cos inverse x equal to a and cos inverse y equal to b, therefore cos a equal to x हो जाएगा और cos b equal to y हो जाएगा। cos a से हम sin a का मान निकाल लेते हैं, sin a क्या होता है 1 minus cos square a, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से साइन बी निकाल लेते हैं 1 माइनस कॉस साइन बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये साइन ए हो गया, ये कॉस ए हो गया, ये कॉस ए हो गया, ये साइन ए हो गया, ये कॉस बी हो गया, ये साइन बी हो गया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी cos a into cos b minus sin a into sin b, क्लास 11 में यह फॉर्मूला था। अब cos a का मान देख लीजिए क्या है, x है, cos b कितना है y है, sin a कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और sin b कितना है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट तो दे चुके हैं इंटू में तो फर्क नहीं पड़ता है, तो देयरफॉर ये हो गया आपका cos a plus b का गली हो गया, इसलिए a plus b क्या हो जाएगा, cos उधर ले जाएगा, क्या जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो आपका हो गया cos इनवर्स xy अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। a का मान क्या है, cos इनवर्स x, a के बदले में cos इनवर्स x लिखना है और b के बदले में cos इनवर्स y लिखना है, तो क्या फॉर्मूला प्रूव हो गया, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इन सभी फॉर्मूलाओं को सिद्ध कर सकते हैं, तो ध्यान से बच्चे सो सिद्ध कीजिए, टिल देन गुड बाय।